हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बर्लिनियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर जिसमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में डिस्कशन होगा कि एक टीचर का डेवलपमेंट किस तरह से होता है पर्सपेक्टिव एंड पॉलिसी ऑन टीचर एजुकेशन का पार्ट है ये टॉपिक ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेज वन की जो है नोविस स्टेज ना नोविस स्टेज में क्या होता है द बिहेवियर ऑफ द नोविस इज रेशनल रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल अपने आप को लेके फ्लेक्सीबल नहीं होते हैं एक एक है या प्रोसीजर है जो उनको बोला गया है वही रूल्स फॉलो करते हर चीज को जो बोला गया उसके है उसके हिसाब से सोचते हैं बहुत ज्यादा देन दे डू इट ठीक है यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती लेकिन यहाँ पे मार्जिनल परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कौन सी स्टेज में स्टेज वन में जो कि नोविस है दिस इज अ स्टेज फॉर लर्निंग द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ सिचुएशन ये एक स्टेज है जो यूज होती है लर्निंग द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो भी चीजें हैं फैक्ट्स को लर्न करने के लिए किसी भी सिचुएशन के फीचर्स उनको लर्न करने के लिए ठीक है ये वाली स्टेज बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस यानी यहां पे फोकस होता है कि हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे ठीक है एंड इट इज द स्टेज एट विच रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस अपीयर टू बी फार मोर इंपॉर्टेंट देन वर्बल इंफॉर्मेशन एज जनरेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर हैव अस यानी यहां पे जो रियल वर्ल्ड में हो रही है जो चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल लिखी हुई या बोली हुई इंफॉर्मेशन से ठीक है क्योंकि यहां पे जैसा भी इन्फॉर्म हुआ है पहले जो भी करा है वो नहीं जो रियल लाइफ सिचुएशन है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है नॉविस इज टॉट द मीनिंग ऑफ टर्म्स लाइक हायर ऑर्डर क्वेश्चन री एन्फोर्समेंट एंड लर्निंग डिसेबल्ड तो नॉविस को जो नॉविस स्टेज में होते हैं उनको मतलब बताया जाता है कि देखो ये हाई ऑर्डर क्वेश्चन हैं ज़्यादा सोचना है इनमें री इन्फोर्समेंट है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कोई लर्निंग डिसेबल्ड है उसके बारे में बताया जाता है Novices are taught context-free rules such as give praise for, fight answers, wait at least three second after asking a higher order question, never criticize a student. तो जैसे एक teacher जब start करते हैं, तो उनको कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है? कि तारीफ करो, और अगर कोई बहुत ही hard या high order question पूछ रहो, तो तीन second wait करो, किसी बच्चे को criticize मत करो, ये सारी चीजें novice stage में सिखाई जाती हैं, okay? This is stage one. ज वन के बाद आती है नोविस स्टेज के बाद आती है एडवांस बिगिनर इस लेवल पर एक्सपीरियंस कैन बिकम कंबाइंड विद वर्बल नॉलेज क्या बताया था पहले हम रियल लाइफ वर्ल्ड को सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे नोविस में लेकिन यहां पे हम एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं वर्बल नॉलेज के साथ जिसको पहले वाली स्टेज में थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा था ठीक है अलग अलग मतलब जैसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में है वो वाली बात उस संदर्भ में है कॉन्टेक्स्ट मतलब तो सिमिलैरिटीज ढूंढी जाती हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या सिमिलैरिटीज हैं और एपिसोडिक एपिसोडिक नॉलेज मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट की इंफॉर्मेशन उसके बारे में जो मेमोरी है वो धीरे धीरे बिल्डअप होनी शुरू होती है एडवांस बिगिनर स्टेज स्ट्रेटेजिक नॉलेज वेन टू इग्नोर और ब्रेक रूल्स एंड वेन टू फॉलो दम इज डेवलप्ड एज कॉन्टेक्स बिगिन टू गाइड बिहेवियर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नॉलेज बिल्डअप होनी शुरू होती है कि कब हमें इग्नोर करना है कब ब्रेक करनी है रूल्स ठीक है कब उन्हें फॉलो करना है और धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग चीजें हमारी मॉडिफाई होती है बिहेवियर हमारा मॉडिफाई होता है ये कौन सी स्टेज है एडवांस एडवांसर मे ऑल्सो लैक अ अटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन यहाँ पे अभी अपने एक्शन को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है उतना ज्यादा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं क्या रिजल्ट है या हम जो कर रहे हैं उसका जो एक्शन है तो हम उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं दिस अकर बिकॉज दे आर लेबलिंग एंड डिस्क्राइबिंग इवेंट Following rule, recognizing and classifying context, but not actively determining through personal action what is happening. क्योंकि यहाँ पे ना ऐस आप चीज़ें सुन रहे हो आप उनको कर रहे हो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें उनको समझने की कोशिश कर रहे हो रूल्स फॉलो कर रहे हो आप इवेंट की मेमोरी बना रहे हो लेकिन यहाँ पे आपका पर्सनल एक्शन क्या है वो नहीं अभी हमें समझ में आ रहा है क्लियरली हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे अपने एक्शंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कम रहती है दिस इज स्टेज टू एडवांस बिगिनर ओके, okay. फिर आ जाते हैं स्टेज थ्री पे विच इज हैं कंपिटेंट दे मेक कॉन्शियस चॉइसेस अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू सोच समझ के हर चीज अपनी मर्जी से दे मेक द कॉन्शियस चॉइस जो उनको पता है कि हम ये करने वाले वो प्रायोरिटीज सेट करते हैं दे सेट प्रायोरिटीज एंड डिसाइड ऑन प्लान्स यानी कि अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि पहले ये करेंगे पहली बात तो ये काम करना है ये कॉन्शियस चॉइस हुई फिर ये काम पहले करना है ये बाद में करना है प्लान्स कैसे बनाने इन सब चीज़ों पे फोकस रहता है उनके प्रॉपर एक रेशनल गोल्स होते हैं और वो एक तरीका ऐसा चूज करते हैं जिससे वो उस तक पहुँच सके है, है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया तो फॉलो कर लिया जो गोल्स हैं उनको कैसे पहुँचना है सेंसेबल मीन सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं इन एडिशन वाइल एन एक्टिंग कैन डिटरमाइन वॉट इज एंड वॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट जब वो कोई भी काम करते हैं अपने स्किल्स परफॉर्म करते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस दे नो वॉट टू अटेंड एंड वॉट टू इग्नोर अपने एक्सपीरियंस से उनको पता होता है क्या अटेंड करना है और क्या इग्नोर करना है ठीक है इन टीचिंग दिस इज दॉरी वेयर वन लर्न नॉट टू मेक टाइमिंग एंड टारगेटिंग एरर्स बिकॉज वन हैज लर्न थ्रू एक्सपीरियंस इस स्टेज में ना जो भी पर्सन सीख रहे हैं वो टाइमिंग को लेकर कि कोई काम किस टाइम तक करना है टारगेट जो है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें ज्यादा गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी थर्ड स्टेज में है तो उन्होंने काफी कुछ अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया है ठीक है कि क्या चीज अटेंड करनी है किसको इग्नोर करना है सो दे आर वेरी मच यू नो क्लियर विद द टाइमिंग या फिर एयरस एट दिस इज वेन टीचर्स लर्न टू मेक करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन डिसीजन इस स्टेज पे आके टीचर्स करिकुलम बनाना समझना इंस्ट्रक्शन डिसीजन किस तरह से मतलब कोई चीज़ पढ़ानी है कौन सा टॉपिक है जिसपे रुकना है कब आगे बढ़ जाना है वो अपने आप टीचर्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है बिकॉज दे आर मोर पर्सनली इन कंट्रोल ऑफ द इवेंट्स अराउंड दैम फॉलोइंग देर ओन प्लान एंड रिस्पोंडिंग ओनली टू इंफॉर्मेशन दैट दे चूज क्योंकि वो अपने आसपास के इवेंट के बहुत अच्छे से कंट्रोल में हैं सो so, उनका खुद का प्लान फॉलो करना और वही इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड देना जो वो चाहते हैं तो यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा जो भी चीजें उनके आसपास हो रही है उसको लेके रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं आसपास क्या क्या चीजें हो रही है दे आर नॉट डिटैच दस इमोशनल अबाउट सक्सेस एंड फेलियर इन अ डिफरेंट एंड मोर इंटेंस वे यहाँ पे वो अपनी सक्सेस को लेके उससे रिलेटेड इमोशंस को फेलियर्स को लेके थोड़ा सा इंटेंस होके ज्यादा गहराई से फील करते ठीक है एंड दे हैव मोर विविड मेमोरीज ऑफ देयर सक्सेस और अपनी सक्सेस को लेके उनके पास ज़्यादा अच्छी मतलब विविड मेमरीज ज़्यादा वैरायटी में मेमरीज होती है तो यहाँ पे बाकी दो स्टेज के कंपैरिजन में कई तो सारे चेंजेस आए जैसे उन्होंने अपने एक्शंस की रिस्पांसिबिलिटी ली उन्हें पता है कि क्या चीज़ को टाइम देना है किसको इग्नोर करना है टाइमिंग और टारगेटिंग एरर देखने को नहीं मिलेगा दे आर वेरी क्लियर एंड पर्टिकुलर अबाउट द प्रायोरिटीज़ और कब क्या करना है और किस तरह से किसी गोल तक पहुंचना है ये सब चीज़ों को लेके क्लैरिटी आ चुकी फिर आते हैं स्टेज फोर दैट इज प्रोफिशियंट दिस इज द स्टेज एट विच इंट्यूशन और नो हाउ बिकम्स प्रोमिनेंट तो यहाँ पे अब इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो चुका है ठीक है टीचर्स के अंदर ना अपने आप एक इंट्यूटिव सेंस आ चुकी है सिचुएशन की कि क्या होगा क्योंकि उन्होंने ऐसे पास्ट में कई एक्सपीरियंसेस फील करे हैं या देखे हैं जैसे आप देखो एक टीचर जो नए नए आते हैं ठीक है उनको पता होता है थोड़ा बहुत लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर और हमेशा ऐसा नहीं होता कि दे आर वेरी मच श्योर कि ये होगा ये इंट्यूशन है उनका इंट्यूशन गलत भी हो सकता है लेकिन जब टीचर्स को कई पढ़ाते हुए साल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दो दे नो कि ये ऐसा होता है मैं ऐसा करूंगा तो ये है ये इस, इन मेरा इंट्यूशन कह रहा है ठीक है क्योंकि उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस पहले से भी देखे हैं जिसमें सिमिलैरिटीज थी जो अब हो रहे हैं सम हायर लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन द सिमिलैरिटी बिटवीन डिस्पेरेट इवेंट्स इज अंडरस्टूड यानी कि अलग अलग इवेंट्स अगर हुए हैं तो उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं वो सब इस स्टेज में आके समझ में आ जाती है ठीक है दिस हॉलिस्टिक सिमिलैरिटी रिकोगनाइजेशन अलाउ प्रोफिशियंट इंडिविजुअल टू प्रोडिक्स इवेंट मोर प्रिसाइसली क्योंकि अब वो लोग पहले ही वो सब चीज फील कर चुके हैं दो तीन साल पहले यहाँ पे देखा तो अब उन्हें सिमिलैरिटी समझ में आ रही है तो वो इवेंट्स को ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ज्यादा प्रिसाइज़ली प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से देख लिया है कि जो चीजें अलाइक हैं सेम हैं वो सब चीजें और इसीलिए दे फोर एज हैविंग बीन एक्सपीरियंस बिफोर क्योंकि पहले वो सब चीज उन्होंने समझी है तो नाउ दे आर बेटर एट ऑल दीज थिंग्स ठीक है स्टेज फाइव पे आते हैं विच इज एक्सपर्ट स्टेज विच इज द लास्ट स्टेज एक्सपर्ट स्टेज में क्या होता है दे हैव एन इंट्यूटिव सॉरी ऑफ अ सिचुएशन एंड सीम्स टू सेंस इन नॉन एनालिटिक नॉन डेलीबरेटिव दैट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू मेक मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बहुत सोच रहे हैं या फिर उन्हें चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है या वो मतलब बहुत ज्यादा बहुत एनालाइज वगैरह कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है उनका जो इंट्यूटिव ग्रेस्प है ना कि ये सिचुएशन क्या है क्या हो सकता है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है ठीक है काफ़ी फ्लूट परफॉर्मेंस बहुत मतलब फ्लो में काम करते हैं ये और एज वी ऑल डू वैन वी नो लॉन्गर हैव टू चूज अवर वर्ड्स वेन स्पीकिंग तो स्टार्टिंग में टीचर्स आर वेरी कॉन्शियस कि क्या बोलना है क्या करना है किस तरह से बताना है कोई चीज लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो उनको पता है वो फ्लो में हर टॉपिक पढ़ा सकते हैं सेम टॉपिक इतनी बार बताया गया है सेम सिचुएशन इतनी बार हैंडल करिए कि नाउ दे आर नो कि उन्हें क्या बोलना है क्या होगा ये सब चीजें एज वी डू नॉट थिंक अबाउट वेयर टू प्लेस अवर फीट वेन वॉकिंग जैसे ये सिंपल सी एग्जाम्पल देते हैं हमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम चलते हुए अपना पैर कहाँ रखेंगे ये नेचुरली हमारे अंदर है ये चीज है ना हम सिंपली बात करते हैं वॉक करते हैं एफर्टलेस मैनर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती द एक्सपर्ट सेफ्टी इन फुटबॉल द एक्सपर्ट मैरिटल आर्टिस्ट इन कॉम्बैट मार्शियल आर्टिस्ट नॉट मैरिटल नहीं सॉरी मार्शियल आर्टिस्ट इन कॉम्बैट जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें हर चीज के बारे में पता है कि मुझे ये करना है ये बोलना है ये इस तरह से बताना है ऐसा क्लास में ये होगा तो ये हैंडल करना है वो बहुत सोच नहीं रहे हैं अपने एक्शन को लेके की मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा नहीं वो स्टार्टिंग के फेजेस में होता है जब हम सीख रहे होते हैं लेकिन धीरे धीरे विद टाइम हमारी जो ये अंडरस्टैंडिंग होती है ये अपने आप बहुत सही हो जाती है स्मूथ हो जाती है तो ये फ्लूविड परफॉर्मेंस उसी के बारे में बात करता है दे एंगेज इन देर परफॉर्मेंस इन अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट वे देन डी डू नोविस और कम्पिटिटेंट परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस में वो उस तरह से एंगेज करते हैं उस तरह से इन्वॉल्व होते हैं जो काफी डिफरेंट होता है नोविसेस और कम्पिटिटेंट जो पहले की स्टेजेस हैं उनसे ठीक है उन एक्सपर्ट्स डू थिंक दैट यूजअली वर्क एंड दस वेंट थिंग्स आर प्रोसीडिंग विदाउट अ हिच आराम से काम करते हैं ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता बिना रुके काम होता है बढ़िया फ्लो में काम होता है ये एक्सपर्ट की कुछ क्वालिटीज़ हैं एंड दे आर वेरी मच यू नो अवेयर अबाउट खुद की परफॉर्मेंस क्या सिचुएशन है क्या इंट्यूशन अगर करेंगे तो क्या होगा ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर होती ठीक है सो दिस वॉज वन वीडियो जिसमें मैंने कवर कर लिया बर्लिनियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीचर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सारी सारे नोट्स आपको ये वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा मैं बी एड एम एड और सीटेड तीनों से रिलेटेड वीडियो डालती हूं जिसको आप चेक कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस टेल्स यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो